पीली चिड़िया बहुत मेहनती और तेज दिमाग की व्यापार करने वाली चिड़िया थी। वो गांव में बहुत से काम को देखने के बाद मोबाइल फोन की दुकान खोलती है। पीलू बहुत वैरायटी के मोबाइल फोन्स को बेचा करती थी। एक दिन हरिया कहता है, बेटी मेरे पास नया फोन खरीदने के पैसे नहीं है, ये पुराना फोन ही ठीक कर दो, ये मैंने 5 साल पहले खरीदा था। तो पीलू कहती है, लेकिन काका मैं फोन ठीक नहीं करती हूँ, मैं तो फोन बेचती हूँ। बेटी मैं फोन ठीक करवाने के लिए कालू की दुकान में गया था, पर वो बहुत बदमाश है, इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। पीलू हरिया का फोन ठीक कर देती है और सोचती है कि रिपेयरिंग का भी काम शुरू कर दे, इससे और भी कमाई होगी। ये तो अच्छा हुआ, अब मैं फोन बेच भी रही हूँ और ठीक भी कर रही हूँ, अब अच्छी कमाई हो रही है। लेकिन कालू इस बात से बहुत जलता था। वो पीलू की दुकान चलती देखकर बहुत गुस्से में था। अरे कोई मेरी दुकान में क्यों नहीं आता है, इस पीलू की मीठी मीठी बातों से सब उसी के पास जाते हैं, मैं भी तो एक से एक फोन बेचता हूँ, आज इसकी तबीयत ठीक करता हूँ। रात में कालू कुछ बदमाशों को पैसे देता है। ये लो पैसे और उस पिद्दी पीलू की दुकान में ऐसी तोड़फोड़ मचा दो कि वो कभी भी दुकान नहीं खोल पाए। फिर वो बदमाश पीलू की दुकान को तोड़फोड़ देते हैं। अगले दिन पीलू अपनी दुकान पहुँचती है। हे भगवान, ये क्या हो गया, मैं तो बर्बाद हो गई, पूरी दुकान ही उजाड़ दी है, अब मैं कहाँ से पैसे लाऊंगी इस नुकसान को भरपाई के लिए। मैंने बैंक से लोन लिया था, दूसरे व्यापारियों से लोन लिया था, अब मेरा क्या होगा। पीलू को रोता हुआ देखकर हरिया काका उसके पास आता है और कहता है, पीलू बेटी तुम निराश मत हो, हिम्मत रखो, अगर तुम बिना जानकारी के फोन रिपेयर कर सकती हो तो इस मुसीबत से भी बाहर आ सकती हो, कभी कभी कुछ अच्छा होने के लिए ही बुरा होता है। इतने फोन को ठीक करने के लिए मशीन लगेगी काका, मैं कहाँ से लाऊंगी। मेरे साथ चलो। पीलू को हरिया अपने घर लेकर जाता है। ये देखो बेटी, मैं पहले मैकेनिक था लेकिन मेरी आंख खराब होने की वजह से मैं काम करना बंद कर दिया, इन पुरानी मशीनों के साथ तुम कुछ करो। फिर एक हफ्ते की मेहनत के बाद पीलू एक मशीन बनाने में कामयाब हो जाती है और अपने टेस्टिंग में कुछ टूटे हुए मोबाइल को ठीक करने में कामयाब होती है। वाह बेटी, तू बहुत ही होशियार है। बहुत धन्यवाद काका, अब मेरे नुकसान को भरपाई होगी और अब मैं एक नया कारोबार शुरू करूंगी। इस तरह से पीलू मोबाइल रिपेयरिंग के साथ गरीबों के लिए मोबाइल बनाने का कारोबार भी शुरू कर देती है। पीलू का बहुत जल्द बहुत नाम हो जाता है और लोग उसके इंटरव्यू लेने के लिए आगे आते हैं। हरिया काका आपका बहुत धन्यवाद, अब मैं अपने कारोबार में बहुत तरक्की कर रही हूँ। बेटी ये तेरी मेहनत का नतीजा है। और फिर पीलू की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री हो गई। लालची कालू को जंगल छोड़कर जाने की नौबत आ गई। पीलू अब हंसी खुशी रहने लगी। एक जंगल में पीलू चिड़िया अपने पति बबलू के साथ रहा करती थी। पीलू वड़ा पाव बेचकर अपना घर का खर्च चलाया करती थी। जंगल के पक्षी पीलू चिड़िया के ठेले से वड़ा पाव खरीदकर मजे से खाते थे। पीलू के वड़ा पाव की बिक्री देखकर कालू कौवा उससे बहुत जलता था और एक दिन कालू कौवे ने भी अपना ठेला पीलू के ठेले के सामने लगा दिया। कालू आवाज लगाकर वड़ा पाव बेचना शुरू कर देता है। आवाज, वड़ा पाव खाओ, गर्मा गर्म पंजाबी वड़ा पाव खाओ। अरे हरिया काका इधर आओ, वहाँ कहाँ जा रहे हो, वड़ा पाव खाने। अरे मेरे वड़ा पाव खाओगे तो सब खाना भूल जाओगे। इस तरह से कालू के आवाज देने पर हरिया काका उसके पास जाते हैं। अरे कालू तूने भी वड़ा पाव की दुकान लगा ली, देखूं तो सही तेरे वड़ा पाव में कितना दम है, जरा एक प्लेट दे, अगर अच्छे नहीं हुए तो मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा। अरे हरिया काका एक बार खा के तो देखो, डबल लोगे।
फिर हरी काका कालू के वड़ा पाव खाता है और उसकी बहुत तारीफ करता है। अरे वाह कालू, तूने तो बहुत ही कमाल के वड़ा पाव बनाए हैं। अब से मैं तेरी ही दुकान में आऊंगा। इसके बाद से तो कालू की दुकान निकल ही पड़ी। जो भी पक्षी उसके वड़ा पाव खाता उसकी बहुत तारीफ करता। कालू की दुकान चलने से पीलू को अपने वड़ा पाव बेचने में परेशानी आने लगी। इस तरह कई दिन निकल जाते हैं। पीलू को बहुत नुकसान होता है क्योंकि अब उसके ठेले में कोई भी पक्षी नहीं जाता था। पीलू सोचती है, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे ठेले में फिर से भीड़ लगनी शुरू हो जाए, फिर से लोग मेरे वड़ा पाव खाने लग जाएं। मुझे कुछ न कुछ करना ही होगा, नहीं तो मेरी दुकान ही बंद हो जाएगी। ऐसा सोचकर पीलू कालू कौए के पास जाती है और कालू से कहती है, कालू भैया, आप वड़ा पाव में ऐसा क्या मिलाते हो जिससे सभी आपके यहाँ वड़ा पाव खाने आने लगे हैं? आप भी अगर मुझे सीक्रेट बता दो तो मैं कहीं दूर जाकर वड़ा पाव का ठेला लगा लूंगी जिससे मेरी भी आमदनी फिर से शुरू हो सके। ऐसा सुनकर कालू उस पर गुस्सा करता है। अरे मुझे पागल समझ के रखी हो क्या पीलू चिड़िया, मैं तुम्हें सीक्रेट क्यों बताऊं? मैं अपना क्या नुकसान कर लूं? अभी चलो भागो यहाँ से। इस तरह से पीलू दुखी होकर वापस अपने ठेले पर आती है और सोचती है, लगता है अब तो मुझे अपना ठेला बंद करना ही होगा। फिर पीलू शाम में अपनी दुकान बंद करके घर की ओर लौट रही थी, तभी पीलू की नज़र कालू पर पड़ती है और पीलू कालू का पीछा करने लगती है। वो देखती है कि कालू दूसरे पक्षियों के घोंसले से उनके अंडे चुरा रहा है। पीलू सोचती है, अरे ये कालू क्या कर रहा है, पक्षियों के अंडे क्यों चुरा रहा है? फिर पीलू कालू का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाती है और देखती है कालू अंडों को ले जाकर वड़ा पाव के मसाले में फोड़कर मिला देता था। पीलू ये देखकर चौंक जाती है। वो सोचती है, ओ ये राज है कालू के वड़ा पाव के स्वादिष्ट होने का, ये तो बहुत गलत बात है। फिर पीलू तुरंत उड़कर पक्षियों के पास जाती है और उन्हें पूरा सच सच बता देती है। चिड़िया पीलू से कहती है, पीलू बहन, कल ही मेरे दोनों अंडे चोरी हो गए थे, मुझे लगा कि दुष्ट चीलू ने उन्हें चुरा कर ले गया है। दूसरी चिड़िया कहती है, हाँ हाँ बहन, परसों मेरे भी अंडे मेरे घोंसले से गायब हो गए थे, मुझे लगा कि कोई नाग सांप लेके चला गया है। हरिया काका कहते हैं, चलो चलकर हम उस बदमाश कालू को पकड़ते हैं और उसकी अच्छे से पिटाई करते हैं, वो हमारे अंडे हमें ही खिला रहा है। फिर सभी पक्षी कालू के घर पर धावा बोल देते हैं। क्यों रे कालू, तू कितना बदमाश है, तू हमारे अंडे चुरा कर हमें ही वड़ा पाव में मिलाकर खिला रहा था, अरे तुझे शर्म है कि नहीं? हाँ कालू भैया, तुमको शर्म है कि नहीं? ये क्या तरीका है, तुम हमारे बच्चों को मार रहे हो, उन्हें पैदा ही होने नहीं दे रहे हो और उन्हें हमें ही खिला रहे हो, तुम इस जंगल में रहने के लायक नहीं हो। इतना कहकर पक्षी कालू की बुरी कदर पिटाई कर देते हैं। पिटाई खाकर कालू जंगल छोड़कर भाग जाता है। कालू के भाग जाने के बाद से सभी पक्षियों के अंडे फिर से सुरक्षित हो जाते हैं और पीलू की वड़ा पाव की दुकान एक बार फिर से चल पड़ती है। अब पीलू अपनी मेहनत से अच्छा खासा पैसा कमाने लगती है। इस तरह सभी पक्षी अब खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक गांव के जंगल में पीलू और बबलू बहुत प्यार से रहते थे। एक दिन पीलू अपने पति से कहती है, सुनिए जी, आज फिल्म चलते हैं, आपको वैसे भी छुट्टियां नहीं मिलती है, आज मिली है तो हम घूम कर भी आएंगे। तो बबलू कहता है, ठीक है, अपनी बाइक में चलेंगे, तुम तैयार हो जाओ। फिर दोनों पति पत्नी बाइक में सवार होकर फिल्म देखने के लिए चले जाते हैं। जो वो दोनों फिल्म देखकर लौट रहे थे, उनका एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है और दोनों सड़क के किनारे गिर जाते हैं। आप ठीक हो बबलू जी? हाँ पीलू, तुम ठीक हो ना? वो तो गनीमत है कि हमारी जान बच गई। तभी हरिया बोलता है, चलो बबलू की बाइक के ड्राइवर को ट्रक के नीचे से निकालते हैं। बबलू की बाइक पूरी तरह से टूट गई थी। फिर वो लोग एक ट्रैक्टर की मदद से टूटी हुई बाइक को अपने घर लेकर जाते हैं। मेरी इतनी मेहनत से कमाई हुई बाइक ऐसे ही टूट गई। अब पता नहीं ऑफिस कैसे जाना होगा और इस नुकसान की भरपाई कैसे होगी। मेरे पास कुछ पैसे जमा है, आप चिंता मत करो। अगले दिन बबलू न्यूज़पेपर में कोई खबर देखता है कि गांव में मोटरसाइकिल की रेस होने वाली है। काश मेरे पास मेरी बाइक होती तो मैं इस रेस में भाग लेता और जीत के पैसे कमाता। आप दुखी मत होइए, मेरे ख्याल से आप अपने मैकेनिक दोस्त हरिया से मिलो और उससे अपनी बाइक ठीक करवाओ,
मुझे पक्का यकीन है कि आप बाइक ठीक करवा ही लोगे और रेस जीत भी जाओगे। ये ठीक कह रही हो पीलू। फिर बबलू हरिया के पास जाता है। हरिया मेरे दोस्त, मेरी बाइक को ऐसा रिपेयर कर कि मैं गांव में होने वाली रेस जीत जाऊं। मुझे कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। फिर हरिया आसपास देखता है और एक ट्रैक्टर के टायर को बाइक में फिट कर देता है। एक पुरानी कार से उसका इंजन निकालता है और बाइक में लगा देता है। ये देखकर बबलू बहुत हैरान हो जाता है। अब इस बाइक को चालू करके देखो बबलू। जब बबलू बाइक ऑन करता है तो वो शेर की तरह गुर्राता है। वाह हरिया, तूने तो मेरी बाइक ऐसी तूफानी रिपेयर की है। रेस जीतने के बाद पार्टी देना बबलू। फिर बबलू घर आता है। बबलू जी, आपकी बाइक तो बहुत ही सुंदर दिख रही है, इसको कोई ट्रक अब गिरा नहीं सकती। पूरे गांव में बबलू की बाइक को लोग आश्चर्य से देख रहे थे और बबलू रेस में भाग लेता है। रेस के दिन सभी इकट्ठा होते हैं। बबलू मजा लेने के लिए पहले धीरे धीरे बाइक चला रहा था, लेकिन फिर वो सबको मात देते हुए तूफानी स्पीड से आगे निकल गया और रेस जीत गया। रेस जीतने पर उसे एक लाख का इनाम मिला और बबलू पीलू से कहता है, पीलू ये तुम्हारे साथ देने के कारण ही हो पाया है। तूने मेरा मनोबल टूटने नहीं दिया और मुझे रेस में भाग लेने के लिए बाइक ठीक करने का आइडिया भी दिया। क्यों नहीं जी, आखिर आपकी पत्नी जो हो, आपकी जीत में मेरी जीत है। इस तरह से पीलू और बबलू हंसी खुशी रहने लगे। लकड़ी गांव में पीलू नाम की गरीब चिड़िया रहती थी। उसको इंजीनियरिंग का काम देखना बहुत पसंद था। जब भी कोई अपना नया घर या दुकान बनाता था, पीलू उसे देर तक देखती थी। एक दिन हरिया कंस्ट्रक्टर उसको अपने पास बुलाता है और कहता है, पीलू चिड़िया, तुम्हें मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ। तुम हमेशा कंस्ट्रक्शन की जगह पहुँच जाती हो, क्यों तुम्हें मजदूरी का काम चाहिए? हरिया काका, मैं गरीब हूँ, लेकिन मैं यहाँ मजदूरी के लिए नहीं आई हूँ। मुझे भी ऐसे ही घर बनाना है। अब मैं देख देख कर घर बनाना सीख गई हूँ। तुम गरीब लोग थोड़ी सी चीज क्या जान लेते हो, अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगते हो। पता है ना, कंस्ट्रक्शन के सामान जैसे ईंट, सीमेंट, लोहे के रॉड्स कितने महंगे आते हैं। अब जाओ यहाँ से और आगे से कंस्ट्रक्शन साइट में दिखना नहीं। नाराज नहीं हुई है हरिया काका, मैंने आपसे ही ये सब सीखी हूँ। आप एक दिन मुझ पर गर्व करेंगे। ऐसा कहकर पीलू अपने घर चली जाती है। उसके घर में बीमार पिता टिल्लू और बूढ़ी माँ बबली रहते थे। पीलू कहाँ चली गई थी? अरे कहीं मजदूरी कर, कुछ काम कर, घर की हालात कितनी खराब है। अभी कड़क सेठ आए थे और घर खाली करवाने की धमकी देकर गए हैं। अगर हमने उन्हें किराया नहीं दिया तो हम बेघर हो जाएंगे। माँ तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। फिर पीलू सोच में पड़ जाती है कि वो अपना घर कैसे बनाए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के सामान खरीदना उसकी हैसियत के बाहर था। मैं कंक्रीट के घर नहीं बनाऊंगी, मैं इको फ्रेंडली बैम्बू का घर बनाऊंगी। फिर पीलू जंगल में बैम्बू ढूंढने निकल जाती है और उसे एक जगह बहुत से बम्बू मिल जाते हैं। पीलू उन्हें काट कर एक खाली जगह इकट्ठा कर लेती है। इसके बाद पीलू एक एक बम्बू को जोड़ जोड़ कर एक घर तैयार करने लगती है और दो ही दिनों में वो एक छोटा सा घर तैयार करने। फिर पीलू उस घर को हरिया काका को दिखाती है। हरिया काका, कैसा लगा आपको मेरा ये बम्बू का घर? पीलू तुम तो बहुत ही तेज दिमाग की हो, लेकिन ये तुम घर बेचोगी किसको? काका ये घर मैं अपने माता पिता के लिए बनाई हूँ। हमारे पास किराया देने के लिए पैसा नहीं है, हमें अपना किराए का घर खाली करना पड़ेगा। मैं तुम्हारा ये बम्बू का घर बिकवा दूंगा, तुम ऐसे ही और भी घर बनाओ, इससे तुम उधार खत्म कर सकोगी। नहीं तो एक घर बनाकर उसी में रहने से तुम्हें कुछ पैसे नहीं मिलेंगे। तुम्हारी जब कमाई ही नहीं होगी तो तुम आगे जीवन में क्या करोगी? हाँ काका, आप सही कह रहे हैं, आपकी मदद के लिए शुक्रिया। अब मैं और भी बम्बू के घर बनाऊंगी। फिर हरिया एक एक करके
पीलू के बंबू के घर बिकवा देता है, जिससे पीलू को बहुत पैसे मिल जाते हैं और वो कड़क सेठ का किराया खत्म कर देती है और अपने लिए एक सुंदर सा बड़ा सा बंबू हाउस बना लेती है। अब हरिया और पीलू बंबू के घर का बिजनेस करने लगते हैं। ऐसे पीलू अपनी मेहनत के दम पर अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। बालापुर में टिल्लू चिड़ा एक गरीब नाई था। वो लोगों का हेयर कट करता था और पैसे कमाकर घर चलाता था। टिल्लू अपने बेटे और बहू के साथ रहता था। उसका बेटा बंटी इस काम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। उसे शहर जाकर कोई कारोबार करना था। एक दिन टिल्लू का एक्सीडेंट हो जाता है। वो बंटी को बुलाकर कहता है, बेटा बंटी, हम खानदानी हेयर कट कर रहे हैं। मेरे पिताजी और मैं अपने घर के लिए रोटी इसी काम को करते हुए कमाए हैं। अब तू ही है जो ये बात नहीं समझता। मैं कितने दिन हूँ मुझे पता नहीं, इसलिए मैं तुझे एक चीज देना चाहता हूँ। ये ले, ये है वो कैंची जिसे हम सब कटिंग करते थे। ये रख और काम कर। क्या पिताजी, आपको जायदाद के नाम पर ये कैंची ही मिली थी? पता नहीं आप मुझे कभी समझ पाएंगे कि नहीं। मैं इस काम से नफरत करता हूँ। मैं कभी भी इस कैंची को नहीं इस्तेमाल करूँगा। अरे, आप अपने पिताजी से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? जब आपकी आमदनी नहीं थी तब इनकी मेहनत से ही घर का पूरा खर्चा चला है। आप इनसे माफ़ी मांगिए। पिताजी, मुझे माफ़ कर दो। इसके बाद कुछ दिनों में ही टिल्लू परलोक सिधार जाता है। ये लीजिए पिताजी की कैंची, अब इससे काम शुरू कीजिए। नहीं नहीं, मैं किसी का हेयर कट नहीं करूँगा। तो फिर आप अपने पिताजी को दिया वचन नहीं निभाओगे और घर का खर्च कैसे चलेगा? आप क्या चाहते हैं कि हम सब भूखे ही मर जाएं? अरे तुम क्या बकवास कर रही हो, मैं काम करने से तो मना नहीं कर रहा हूँ ना। हाँ, तो फिर इस कैंची का इस्तेमाल करो और काम करो। बंटी जबरदस्ती लोगों की हेयर कटिंग शुरू कर देता है, लेकिन उसका मन नहीं लगता था। इस वजह से गड़बड़ हेयर कट करने लगता है। लोग उस पर गुस्सा करने लगते हैं। एक दिन परेशान होकर बंटी जंगल में जा रहा था, तभी उसको साधु दिखते हैं। वो बहुत भूखे होते हैं। बंटी उन्हें कुछ सेब खिला देता है। साधु जी, मेरा काम में मन नहीं लगता, क्या करूं? मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा काम अपने आप हो जाएगा। इसके बाद बंटी अपनी हेयर कटिंग की दुकान में जाता है और लोगों की कटिंग करने के लिए जैसे ही अपने पिताजी की कैंची उठाता है, वो कैंची साधु के आशीर्वाद से अपने आप हेयर कटिंग करने लगती है और जल्दी ही वो बहुत फेमस हो जाता है। वाह जी, आप तो बहुत ही कमाल के काम करने लगे हो, मैंने तो सोचा भी नहीं था। तुम जानती हो पीलू, ये साधु महाराज के आशीर्वाद से हुई है। अब हम ना एक बड़ा घर खरीदेंगे। वाह जी। और बंटी एक बड़ी सी घर ले लेता है। इसके बाद बड़े बड़े हीरो उसके यहाँ हेयर कटिंग करवाने के लिए आने लगते हैं। पीलू, तुमने मुझे आलसी होने से बचा ली। अगर तुम नहीं होती तो मैं अपने पुरखों का हेयर कटिंग का काम नहीं करता। तुम्हारे कारण ही मैं इतनी तरक्की कर पाया हूँ। बड़ों का कहना मानना चाहिए जी, आपने भी वही किया। इस तरह से पीलू और बंटी खुशी खुशी रहने लगे। मन चाहे वरदान लो। हमें यही वरदान चाहिए। आप अपना वरदान वापस लीजिए, मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी। गोंडा नाम के राज्य में सूरजभान नाम का एक राजा राज करता था। उसके एक बहुत ही सुंदर पुत्र था जिसका नाम था स्वर्णपुत्र। सूरजभान अपने पुत्र से बहुत प्रेम करता था, मगर उससे भी ज्यादा वो प्रेम करता था स्वर्ण पे। इसीलिए अपने पुत्र का नाम भी स्वर्णपुत्र रखा था। उसकी खजाने में सोने का भंडार था। उतना सोना दुनिया के किसी भी राजा के खजाने में नहीं था। इसके बाद भी खजाने में जितना सोना बढ़ता, सूरजभान की सोने की लालच भी अधिक होती जा रही थी। उसका दिन का अधिकांश समय खजाने में ही निकला जाता था। सोने की लालच की वजह से अक्सर वो अपने पुत्र को अनदेखा करता था। खजाने की वो कोना खाली पड़ा है, उसको भी सोने से भर देना है। मंत्री जी, इस बार की फसल के कर
और एक सोने का सिक्का बढ़ा दो। जी हाँ प्रभु, मगर अगर मगर कुछ नहीं। अरे प्रभु, इतनी फसल तो आए जो कोना भर दे। मंत्र की बात सुन के राजा को लगता है कि यह काम नहीं करने वाला है, मगर उसकी सोने की लालच इतना बढ़ गया था कि वह अन्न जल त्याग कर ईश्वर की कठोर उपासना में लग गया। उसकी तपस्या से प्रसन्न ईश्वर दर्शन देते हुए कहते हैं, बोलो वत्स, मन चाहे वरदान लो, क्या चाहिए तुम्हें? हे भगवान, मुझे ये वरदान दे कि मैं जिस किसी वस्तु को भी छूऊं वो सोना बन जाए। ईश्वर को सूरज भान की लालच समझ में आ गई थी। वरदान देने से पूर्व उन्होंने आगाह किया, राजन, वरदान मांगने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार कर लिया है? तो सूरजबान संपूर्ण श्रद्धा से और विनम्र होके कहते हैं, हे ईश्वर, मैं इस विश्व के सबसे बड़ा धनी राजा बनना चाहता हूँ। हमने संपूर्ण सोच विचार कर लिया है, हमें यही वरदान चाहिए। इसकी लालच की बुद्धि सही होने वाली नहीं है, ये शंकर भगवान को पता चल गया और वो तथास्तु कहते हुए वहाँ से गायब हो गए। राजा सूरजभान यह वरदान पाकर खुशी से पागल हो गया था। दूसरे ही दिन सोकर उठने के उपरांत अपनी शक्ति परखने के लिए उसने अपने पलंग को छूकर देखा, वह पलंग सोने का बन गया। सूरजबान बहुत खुश हुआ। दिन भर वह सुधबुध खोकर अपनी महल की हर चीज को सोने में परिवर्तित करने में जुट गया। उसे अपनी खान पान तक की चिंता नहीं थी। शाम को सूरजबान थक गया था, उसे जोरों से भूख भी लगी थी। अपने सेवकों को भोजन परोसने के लिए कहता है। जैसे ही सूरजबान भोजन को हाथ लगाता है वह सोना बन जाता है। अब सोने को तो खा नहीं सकते, तो गुस्से से तिल मिलाते हुए वो उठकर बाहर आ जाता है। ऐसे ही टहलते हुए अपने उद्यान में जा पहुंचता है। वहाँ वह देखता है अपना छोटा बेटा स्वर्णपुत्र वहाँ खेल रहा है। उसकी खेल कूद देखकर राजा की मन में पुत्र वात्सल उमड़ कर आता है। कुछ क्षणों के लिए अपनी भूख भी भूल जाता है। जब स्वर्णपुत्र पिता को वहाँ उद्यान में देखते हैं, तो प्रेम से दौड़ के आके गले लग जाते हैं। विधि की विपर्यास ये था कि स्वर्णपुत्र भी स्वर्ण में बदली हो गया। सूर्यभान रो रो कर कहने लगा, हे ईश्वर, मुझे क्षमा कर दीजिए, आप अपना वरदान वापस लीजिए, मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी, मेरा लालच तांडव कर रहा था। हमें समझ आ गया है कि हर वस्तु अमूल्य होता है, हमारे लिए सबसे अमूल्य तो हमारा पुत्र स्वर्ण पुत्र है, उन्हें आप कृपया इंसान बना दीजिए। कहते हुए फिर से रोने लगता है। उस पर दया आकर ईश्वर फिर से तथास्तु बोलते हैं और हवा में लीन हो जाते हैं। स्वर्ण पुत्र फिर से इंसान बनता हुआ देख सूरजभान बहुत खुश होता है और अपनी गलती की, अपनी लालसा की उसे पश्चाताप भी होता है। तो मंत्री को बुलाकर कहते हैं, मंत्री जी, अपना कोषागार जरूरतमंद और निर्धनों के लिए खुला रख दो। सूरजभान अपने पुत्र को गले लगाकर खुशी के आंसू बहाते हैं। उनका लोभ खत्म हो गया था और संतुष्टि की जीवन की ओर यात्रा शुरू कर देते हैं। इस पीलू को हराने का तरीका सोचना होगा। अरे वाह कालू भाई, क्या सोडा है! कालू इतनी रात में गहरे जंगल में कहाँ जा रहा है? भिलाईपुर के गांव में पीलू सोडा बेचा करती थी। पीलू का सोडा बहुत बिकता था। पीलू घरेलू तरीके से रंग बनाया करती थी और बहुत अच्छे से अलग अलग फ्लेवर बनाकर बेचा करती थी। ये लोगों को बहुत पसंद आता था। उसके दुकान के सामने कालू की भी सोडा की दुकान थी, लेकिन वो बहुत ही आलसी था और पीलू की तरक्की से जलता था। सोडा ले लो सोडा, रंग बिरंगे अलग अलग फ्लेवर्स के सोडा, ऐसे फ्लेवर्स आपको पूरे जंगल में कहीं नहीं मिलेंगे। सोडा ले लो सोडा, हाजमा ठीक करने वाला सोडा। तो टिल्लू कहता है, कालू भाई, आजकल लोग
शौक के लिए सोडा पीते हैं, हाजमा ठीक करने के लिए नहीं। इसलिए हम पीलू की दुकान में जाते हैं, वहाँ एक से एक फ्लेवर के सोडे मिलते हैं। ये सुनकर कालू बहुत गुस्सा करता है। टिल्लू पीलू की दुकान जाकर पूरे परिवार के लिए सोडा ले लेता है। ये लो टिल्लू भैया, फैमिली पैक सोडा 500 रुपए हुए। कालू सोच में पड़ जाता है। इस पीलू को हराने का तरीका सोचना होगा, नहीं तो मुझे ये गरीब कर देगी और मुझे जंगल छोड़कर जाना पड़ेगा। उस रात कालू जाबाज चील के पास जाता है और जंगल से एक पाउडर लेकर आता है, जिसको वो अपने सोडा में मिलाता है। अगले दिन कालू मिलावटी सोडा बेचने लगता है। सोडा ले लो, इंटरनेशनल सोडा, एक बार पियोगे तो बार बार पियोगे। सोडा ले लो, इंटरनेशनल सोडा, एक बार पियोगे तो बार बार पियोगे। अरे कालू भैया, तुम कहाँ से इंटरनेशनल सोडा ले आए? वो मेरे जीजा जी ने भेजे हैं अमेरिका से। एक बार पी के तो देखो ठिल्लू भाई, बार बार पियोगे। ठीक है, एक दो, नहीं अच्छा लगा तो पैसे नहीं दूंगा। कालू टिल्लू को सोडा देता है और टिल्लू एक के बाद एक 5 सोडा पी जाता है। अरे वाह कालू भाई, क्या सोडा है! इसके सामने तो पीलू का सोडा एकदम बकवास है। मैं अपने दोस्तों को भी यहाँ लाता हूँ। और जल्दी ही पीलू की दुकान खाली हो जाती है। कोई भी ग्राहक उसके पास नहीं जाता है और सिर्फ कालू के पास ही सब सोडा पीते हैं। पीलू, तुम जंगल छोड़कर अफ्रीका चली जाओ, वही तुम्हारे लिए सही रहेगा। मैं तो बर्बाद ही हो गई हूँ। ये अचानक से कालू का कौन सा जीजा जी पैदा हो गया अमेरिका में? उस रात पीलू अपनी दुकान बंद करके जा रही थी। वो बहुत उदास थी और जंगल छोड़ने के बारे में सोच रही थी। तभी उसे कालू दूर जंगल में उड़ता हुआ दिखता है। अरे कालू, इतनी रात में गहरे जंगल में कहाँ जा रहा है? इसका पीछा करती हूँ। और पीलू जाबाज के साथ उसके सौदे को होता हुआ देख लेती है। पीलू अपने मोबाइल में सब रिकॉर्ड कर लेती है और फिर कालू को वो पाउडर घर में सोडा में मिलाते हुए भी रिकॉर्ड कर लेती है। पीलू तुरंत ही हरिया इंस्पेक्टर के पास जाती है। इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए, कालू सोडा में नशा मिला रहा है। हरिया वो वीडियो देखता है और बहुत गुस्सा करता है। मैं इसकी हड्डियां तोड़ दूंगा। फिर हरिया सभी चिड़ियों को लेकर कालू के घर जाता है। कालू, तुम मुझे नशा वाला सोडा बेच रहे थे, अब हम सब तुम्हारा नशा उतारेंगे, ऐसे टिल्लू कहता है। कालू की बहुत पिटाई होती है और फिर उसे जेल हो जाता है। इस तरह से पीलू अपनी ईमानदारी के कारण जंगल में अकेली सोडा बेचने वाली रह जाती है और अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगती है। कालकपुर गांव के जंगल में बबलू टैक्सी चलाता था। उसकी पत्नी पीलू घर का काम करती थी। पीलू और बबलू भगवान विष्णु के भक्त थे, उनके पूजा करते थे और सुबह शाम उन्हीं के नाम का जाप करते थे। लेकिन गरीबी के कारण बबलू तो एक्स्ट्रा टाइम मेहनत करके पैसे कमाने पड़ते थे, लेकिन उसकी ये मेहनत कालू ऑटो वाले को पसंद नहीं थी। वो हर समय उसे नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचता रहता था। ये वॉर टाइम करके अमीर हो जाएगा, इसको सबक सिखाना पड़ेगा। एक दिन पीलू कहती है, सुनिए जी, आप ओवर टाइम करते हैं, आपकी तबीयत खराब ना हो जाए, मुझे तो बहुत चिंता रहती है। हमारी गरीबी दूर करने के लिए ज्यादा पैसे कमाने पड़ेंगे, ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पैसों की जरूरत तो रहेगी ना। जब अपने बच्चे होंगे, उसके बाद उनकी स्कूल की फीस, हमारा घर का खर्चा, थोड़े दिनों की बात है, भगवान विष्णु सब ठीक कर देंगे। आप सही कह रहे हैं जी, भगवान श्री विष्णु जी ही हमें संभाल कर रखे हैं, हमें तो उनका नाम जपते रहना चाहिए। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। बबलू मेहनत करता था तो उसको ज्यादा लोग जानने लगे थे, ओवर टाइम में भी मुनाफा होने लगा। कालू इसे बहुत गुस्से में आ जाता है। इसको मजा चकाना ही होगा, बहुत कमा रहा है ये आजकल। ऐसा सोचकर उस रात को बबलू के सो जाने के बाद उसके घर में जाता है और उसकी टैक्सी को चुरा कर भाग जाता है। अगली सुबह बबलू पीलू के साथ घर के बाहर आता है तो उसकी टैक्सी नहीं दिखती है। पीलू दुखी होकर
रोने लगती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? हम गरीब लोगों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब हम अपने घर का खर्चा कैसे चलाएंगे? बैंक से लिया हुआ टैक्सी लोन भी चुकाना बाकी है। हमें अब कुछ और रास्ता तलाशना होगा। सब श्री विष्णु जी की लीला है, उनकी जैसी मर्जी। हमें अपनी भक्ति में जरा सी भी कमी नहीं करनी चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं जी, हमें भगवान की कृपा पर शक नहीं करनी चाहिए। उसके बाद पीलू और बबलू मजदूरी करने लगते हैं। कालू ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और कर दिन रात मेहनत। बबलू मुश्किल से मकान मालिक को किराया देता है, बैंक वालों का लोन चुकाता है। ऐसे ही ज्यादा मेहनत करने से दोनों पति पत्नी बहुत बीमार पड़ जाते हैं। हे श्री विष्णु, अब हम आपकी सेवा कैसे करेंगे? हमें माफ कर दीजिए भगवान। तभी वहाँ भगवान श्री विष्णु प्रकट होते हैं। मेरे प्यारे भक्तों, तुम दुखी मत हो, तुम्हें बिना स्वार्थ के मेरी भक्ति की है। तुम्हारे दुख तकलीफ को मैं अब खत्म कर दूंगा। तुम दोनों हमेशा सुखी रहोगे। तुम्हारी परीक्षा अब खत्म होती है। मैं तुम्हारे दोस्त हरिया के जरिए तुम्हें मदद भेज रहा हूँ। ऐसे कहकर भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। श्री विष्णु भगवान जी की जय हो। अगले दिन बबलू का दोस्त हरिया उसे अपने गैरेज में बुलाता है। बबलू, पीलू भाभी, मेरे पास पुरानी टैक्सी है, मैं अभी एक नई तकनीक सीख के आया हूँ। जैसे पुरानी गाड़ियों को जोड़कर उन्हें काम में लाया जा सकता है, मैं डबल टैक्सी तैयार कर दूंगा। हरिया भाई, मैं तुम्हें पैसा कैसे दे सकूंगा? मैंने पैसे कहाँ मांगे बबलू भाई, तुम टैक्सी चलाओ और जब करोड़पति बन जाओ तो पैसे दे देना। तो पीलू बोलती है, आपका बहुत धन्यवाद भाई साहब, भगवान विष्णु आपको हमेशा खुश रखे। जी भाभी, देखो बबलू डबल टैक्सी से डबल सवारी मिलेगी, मतलब एक ही बार में डबल कमाई। अब तुम्हें डबल शिफ्ट नहीं करने की जरूरत होगी। फिर हरिया डबल टैक्सी बनाता है और बबलू टैक्सी को ले जाकर जंगल में चलाने लगता है। ये देखकर कालू दंग रह जाता है। बबलू की डबल टैक्सी में बहुत सारी सवारी बैठ जाते थे। पीलू देखो, विष्णु भगवान जी ने कैसे हमें मुसीबत से बाहर निकाल दिए हैं। जी, हमारे तो वही सहारा है, अब उनकी सेवा और अच्छे से किया करेंगे। उनकी सुख में ही हमारा सुख है, लेकिन हमारी टैक्सी किसने चुराई होगी? मैंने चुराई थी टैक्सी, अब मैं तुम्हारी डबल टैक्सी में आग लगा दूंगा। ऐसे कालू बोलता है, लेकिन कालू जैसे ही आगे बढ़ता है, भगवान विष्णु का गधा उसे जोर से मारता है और वो बहुत दूर फेंका जाता है। जय भगवान विष्णु जी की। और फिर इस तरह से बबलू अपनी मेहनत से ज्यादा पैसे कमाने लगता है। उसके घर की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। थोड़े ही दिनों में उन्हें एक बेटा होता है, जिसका वो लोग बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। अब सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।